समझ गए ना। तो सरकार का ये जो निर्धारित किए जाते हैं ना लक्ष्य कि भाई 50% महिला मेट होगी, टास्क बेस्ड काम होगा, ये बड़ा अध्ययन और शोध करने के बाद में किया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि कोई खड़ा हो गया है और करीब 70-80% महिलाएं होंगी, फिर हम महिला मैट क्यों नहीं रखते हैं? मैंने तो जितने भी काम देखे अभी तक, वहां जो मैट है वो लगता ही नहीं है कि नसीबे की मैट है, बड़े आराम से वो खड़ा रहता है। टास्क बेस्ड काम होगा, ये बड़ा अध्ययन और शोध करने के बाद में किया जाता है। ये ऐसे ही नहीं है कि कोई खड़ा हो गया है और खड़ा होकर उसने दिशा निर्देश बना लिया। 30 और 35, 35-40। अच्छा, और टाइमिंग क्या है आपके यहाँ बैठने की? नो, सुबह वैसे 6 से 8 को हमारा वो चलता है वेलनेस सेंटर, जिसमें योग होता है सुबह। इसमें स्टाफ के हम सब पूरी स्टाफ में रहते हैं, तो सब योग करते हैं। आप योग करते हो? जी सर। आपको देख के तो नहीं लग रहा है आप योग करते? बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं सर, मैं तो ऐसा भी योग कर रहा था, अभी आपके सामने करती हूँ। योग किसको बोल रहे हैं? आसन को योग बोल रहे हैं? आसन भी है, योग भी है, दोनों सभी तरह के होते हैं। अच्छा, चलो अच्छा है। क्या है ये? डे ऑफ है आज, इस बार का डे ऑफ। मैडम इसका को बुला लीजिए। नहीं, लीव और डे ऑफ में तो बहुत फर्क है। डे ऑफ क्या होता है? और ये भरत लाल मीना किसी की शादी की शादी में तो बोल रहे हैं, ये भी डे ऑफ। डे ऑफ ये कहाँ गिरा सिंह ने? आप ठीक है? ये कौन है? फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट ये नहीं है क्या है? थोड़ा जल्दी करो है ना, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। ये संतरा जी के एप्लीकेशन है। कब की है? 16/2021। सर आज पंचायत समिति बोली में आपने विकास ग्राम विकास अधिकारी और सरपंचों की मीटिंग ली, क्या क्या योजनाओं पर समीक्षा की और क्या निर्देश दिए? देखिए, जिले में जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन की जो LOV NOLV योजनाएं हैं उनके अंतर्गत जो बौली तहसील में कमजोर चल रहा था उसके लिए मैंने यहाँ ग्राम विकास अधिकारियों से और सरपंच साहिबान से आज बैठक करके वार्ता की है और उनको ये कहा है कि इन दोनों योजनाओं में विशेष प्रयास करके और प्रगति लावें। जी, खिरनी में भी एक निरीक्षण किया था, क्या स्थितियां मिली हॉस्पिटल में? खिरनी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यद्यपि वो आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जब मैंने वहां पे देखा तो डॉक्टर नहीं थे, वहां केवल एक ही डॉक्टर था, तो 4 में से 1 ही डॉक्टर था, ये बड़ी गंभीर बात है। मैंने इसके लिए CM&HO को निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत एक्शन ले। और दूसरा, वहां पर जो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो वो ड्यूटी लीव लेते हैं वो गलत तरीके से ली जा रही है और उसके कारण चिकित्सक वहां पर नहीं है, तो उसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने उनको निर्देश दिए। थैंक यू।